तरक्की के लिए, मुसलमानों के रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया। बस कोई मुस्लिम बच्चा गलत काम करता था, कोई चोरी किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, गलत काम किया, थाने में फोन किया कि इसको छोड़ देना, ये हमारा कार्यकर्ता है। अरे हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए, वो सरकार चाहिए, वो एमएलए चाहिए जो हमारे बच्चों की तालीम के लिए सोचे, जो हमारे रोजगार के लिए सोचे। और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुसलमानों के बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र भाई मोदी, और ये लिखा हुआ भी अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाए, लेकिन तालीम हासिल करें। आज इस कांग्रेस ने हमको तालीम से भी दूर रखा, हमको मदरसे में भी तालीम हासिल करनी है, लेकिन हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी देनी, क्वालिटी तालीम भी देनी, उनको स्कूल में भी पढ़ाना है। वो बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पुलिस ऑफिसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, हमको बच्चों को वो भी बनाना है। हमको दीनी तालीम भी देनी है, हमको दीनदार तो बनाना है क्योंकि हमको आखिरत के अंदर अल्लाह को जवाब देना है, लेकिन हमको बच्चों को, हमको हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई कराना है। अगर हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तो इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, पुलिस ऑफिसर भी बनेंगे, और हमारे सगीर भाई और हम जैसे नेता भी बनेंगे। हम भी तो मुस्लिम है ना, हमारे माँ बाप ने हमको अच्छे से पढ़ाया, अच्छे घरों में तालीम दी, तो आज ऐसा हुआ कि हमको वहां से यहाँ पे बुलाया गया, हम यहाँ पे आपको सामने बोल रहे हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं आप लोगों के लिए। ऐसे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उसको हमको इस तरीके से बनाना है। आपसे मैं बहुत बड़ी माजरत चाहता हूं कि आपको बहुत 2 घंटे 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा, तो उसके लिए मैं माफी मांगूंगा सभी लोगों से, तमाम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं हमारे उन सब से। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से आया हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप लोगों से इल्तिजा करने आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं वो एक एक आदमी अपने घर के आसपास वाले लोगों से भी बोल के, कांग्रेस के लोग आएंगे उनके बहकावे में नहीं आना है, हमको कमल के ऊपर वोट देना है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जिता के सरकार के अंदर भेजना, क्योंकि सरकार भाजपा की बन रही है, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। हमको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना, और हमको मुस्लिम एरियों के अंदर भी हमको वोट डालना, ताकि ये मैसेज जाए कि आप मुसलमान कांग्रेस के बहकाव में आने वाला नहीं है, मुसलमान कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने 70 सालों से हमारे वोट लिए और वोट ले लेके हमको गुमराह किया, डराया, धमकाया और हमारे वोट लेते रहे। 5 साल से बीजेपी की सरकार थी, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई और आगे भी इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं वैसे भी कहता हूं कि जो मुसलमान होता है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी से नहीं डरता। हम अच्छे काम करते रहे, अच्छे अपने बच्चों को तालीम और शिक्षा देते रहे, अपने आप को मजबूत करो, देश को मजबूत करो। अगर हमारी कौम मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, तो हमारी तरक्की होती रहेगी। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों की बातों में नहीं आना है, ये लोग आएंगे गुमराह करेंगे, डराएंगे, लेकिन आपको अपने आने वाले बच्चों की जो जनरेशन है, हमारी नस्लें हैं, उनके बारे में सोचना है।